निरोग कैसे होना इस पे ही जोर दिया है। पहला सुख निरोगी काया, तो इसके लिए हमने रोगों को समझा, रोग क्यों होते हैं, गलत खाना खाने से वो पचता नहीं है और अपच रहने से वो पड़ा रहता है, वो मृत आहार है जो हमने आग पे चढ़ाया है, तो इसमें से वात पित्त कफ टोते कीड़े पड़ते हैं और नाना प्रकार के रोग होते हैं। ये रोग का कारण हो गया शरीर में रुका हुआ मल, तो अब मल को हटाना। देखो रोग यानी चाहे डायबिटीज हो, किडनी हो, एसिडिटी हो, साथ ही कैंसर हो, कोरोना हो, ओमिक्रॉन हो, डेल्टा वेरिएंट हो, ये कोई भी नाक कान गले का रोग हो, बालों का हो, चर्बी का हो, कोई भी शारीरिक समस्या, ये गलत आहार के कारण शरीर में जो मल रुक जाता है इसके कारण होते हैं। तो अब निवारण एक ही है कि इसको हटाया जाए, निकाल दिया जाए, सफाई कर दी जाए। तो आपको डायबिटीज है या बीपी है या कोई भी और रोग है, कोई भी, मैं बार बार बताता हूँ, तो उसके लिए सफाई पे जोर देना है। जबकि आप खाने पे अभी भी जोर देते हैं, मैं गन्ना जूस पी सकूँ या नहीं, मैं अंगूर खा सकूँ, खजूर खा सकूँ, ये खा सकूँ, ये खा सकूँ, खा खा कर तो ये खत्म किया है सब कुछ, अब खाने का क्या, सफाई करो पहले, आपकी पूरी सफाई हो जाए, बाकी जो भी भगवान ने दिया है सब कुछ खाओ पियो मौज करो, लेकिन सही भोजन खाना। आपका डायबिटीज चला जाएगा 10 दिन में, चाहे वो 15 20 50 साल से क्यों ना हो, 10 दिन भी मैं बहुत ज्यादा लंबा समय देता हूँ, एक दो दिन में भी चला जा सकता है यदि आप फॉलो करते हैं तो। बाकी आपका मन ही खाने में पड़ा है तो आपको कोई मदद नहीं कर सकेगा। पहले सफाई पे जोर देना है, सफाई हो जाने के बाद सही भोजन खाओ, तो बाद में डायबिटिक जो नॉन डायबिटिक बन जाता है, बाद में दिन में 10 ग्लास भी आपको पीना है गन्ना जूस पियो, 2-5 केजी आम खाना है तो भी खाओ, 2-5 केजी अंगूर खाना है तो खाओ, जितना खजूर खाना है खाओ, आपके भूख के हिसाब से बाद में आप खा सकेंगे। और आपको ये समझ लेना है कि आपको डायबिटीज हुआ है तो जो आप कहते हैं गन्ना जूस, केले, आम, चीकू, ये खाने से नहीं हुआ है। हाँ, आप समझ सकते होंगे जो भी डायबिटिक है उन्होंने ये ही नहीं खाया है, गन्ना, आम, केले, चीकू, ये नहीं खाया, केवल वो खाया होता तो कभी डायबिटीज नहीं हुआ होता। आपने क्या खाया, आपने खाया दाल चावल रोटी पूरी पराठे खिचड़ी कढ़ी पानी पूरी भेल पूरी पूरण पूरी मंचूरियन बर्गर पिज्जा, यही तो सब रोगों का वीजा, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये गलत खाना हमने खाया है, इसलिए ये रोग हमारे शरीर में, रोगों को हमने ही जन्म दिया है, रोग आए नहीं, हमने जन्म दिया। तो अब जो गलती हो गई ये गलती को हमें सुधारना है, यानी जो गलत खाना खाया ये बंद करना है, वो गलत खाने की वजह से जो हमारे शरीर में गंदगी भर गई ये गंदगी को हटाना है।
कितनी बार हमने आपको यहाँ से बताया है, फिर भी ऐसे जब सवाल आते हैं तब हमें तरस आता है, हमें खुद पे ये होता है कि कहाँ हमारी कमी है कि हम आपको समझा नहीं पाते। बार बार रिपीट करते 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 भी ऐसे सवाल जब आते हैं तब हमें खुद पे तरस आती है कि हम कौन सा ऐसा बदलाव करें कि आप अच्छी तरह से समझ सको और आपके रोग हटा सको। आगे का सवाल, बीपी डायबिटीज दूर हो जाने के बाद पकवा आहार जो अभी मैंने बताया सब कुछ, हाँ बर्गर पिज्जा आदि दाल चावल रोटी से लेकर ये सब कुछ रात को खा सकते हैं क्या? देखो आपका जीव ही खाने में पड़ा, मन ही खाने में पड़ा, हाँ तो आप कैसे सफाई कर सकेंगे? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने समय तक करना, हाँ तो ये समय इस पर निर्भर करता है। आपने मन में जब तक खाने का पड़ा है तब तक रोग कभी नहीं जाएगा, नेवर, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे। आपको करना है सफाई और मन में है खाना। हाँ संत कबीर ने बताया है ना कि एक ही तलवार में दो एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब मैं था हाँ आपको मालूम है ना, जब मैं था प्रभु नाही और जब प्रभु है मैं नाही, तो जब तक खाना है तो निरोग नाही और जब निरोग हो जाएंगे रोग नाही। वो ये हो जाएंगे, खाना छूट जाएगा, सफाई आ जाएगी मन में तो रोग नाही, रोग भाग जाएंगे। दोनों एक साथ नहीं समा सकते, नहीं ले सकते, तो आप सफाई करो, सफाई पे जोर दो, खाने पे नहीं। सारा जीवन हमने खाया गलत ही खाया और इसका तो परिणाम भुगत रहे, अब कब तक खाना? फिर भी मैंने जो ये चीजें बताई थी ये वेरियस कैटेगरी टू पीपल, इसमें ये भी हमने चर्चा की थी कल, आप वीडियो देख लेना ऐसा है तो यूट्यूब पे है। तो हमने ये बताया था भोगियों का भोजन, लेकिन ऐसे भोगी जो निरोग रहना चाहते हैं तो उनके लिए कल हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले रोगों को हटाओ भगाओ और बाद में रात एक बार खाना, ये तो एक गलत खाना है, इससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, फिर भी खाना है क्योंकि मन में पड़ा निकल नहीं सकता, मजबूरी है। तो एक बार खाओ, इसमें सबसे ज्यादा आनंद का सब्जी 70% और बाकी का अनाज दाने से बना हुआ भोजन, ये सारी चर्चा कल हो चुकी है। और फिर भी जब आप ये सवाल करते हैं तब हम आपको क्या करें? हाँ हमें हम पे तरस आती है कि क्यों आप समझ नहीं सकते, इतना इतना बार बार बताते हैं एक ही बात। Why butter ghee is good for health and not milk? Who has said it? I have never told. You can see my thousands of videos. You can go through my books. I have never told. That butter is good, ghee is good. Never.
बटर एंड घी इज ए प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, हमारे में कहावत है ना कि बाप से बेटे सवाय। हाँ, तो ये दूध है। हाँ, तो ये जन्मदाता किसका मिल्क जो है वो घी मक्खन और घी को जन्म देने वाली, दूध से मक्खन घी बनते हैं। तो गुजराती में हम कहते हैं कि वर्ड थी पेटो सवायो, बाप थी बेटो सवायो, अने गुरु थी शिष्य सवायो। हाँ, सवाय है नहीं क्या ना? पॉइंट 2.5 टाइम्स मोर यानी 1.25। हाँ, मतलब ज्यादा इससे। तो दूध जितना खतरनाक है इससे कई गुना ज्यादा इसकी प्रोडक्ट खतरनाक है। चाहे वो आपने तो बटर ही लिखा, बटर मिल्क भी हो यानी कि छाछ हो, मक्खन हो, घी हो, मावा हो, मिठाइयां हो, पनीर हो, दूध से बनी कोई भी चीज वो दूध से भी ज्यादा खतरनाक है, नुकसान करने वाली है। दूध तो है ही, दूध तो ओरिजिन और दूध से ही सब कुछ बनते, तो ये और खतरनाक है। हमने कभी नहीं बताया स्कूल। हाँ, आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, वो दूसरी बात, यहाँ वो नहीं। जेगरी को इसके साथ कंपेयर किया है, ओ सॉरी जेगरी नहीं है, ये वो इसके में जरा वॉकिंग और जॉगिंग को कंपेयर किया है यहाँ। वेदर वॉकिंग इज द बेस्ट और जॉगिंग नन ऑफ द बॉब, एक भी अच्छा नहीं है। लेकिन जब कंपेयर करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि वॉकिंग इज बेटर नॉट द बेस्ट, वॉकिंग इज बेटर देन जॉगिंग, क्योंकि जॉगिंग में आप आपके शरीर को ज्यादा कष्ट दे रहे हैं जबकि वॉकिंग में कम कष्ट दे रहे हैं। वॉकिंग भी एसेंशियल नहीं है, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। पहले मैं बहुत कुछ करा किया करता था, वॉकिंग भी करता था, जॉगिंग करता था, रनिंग करता था, पहाड़ियां करता था, सब कुछ करता था और 15-15 20-20 किलोमीटर चलता था। लेकिन उस वक्त ये विज्ञान पढ़ा था, एक्सरसाइज व्यायाम, हाँ, शरीर को तोड़ डालने की एक क्रिया, और इसके लिए भगवान ने नहीं दिया। आप देख लो कोई भी ऋषि मुनि जिन्होंने भगवान को प्रभु को प्राप्त करने की कोशिश की, उन्होंने कभी जॉगिंग वॉकिंग किया? वो तो ऐसे कोई आसन पे बैठ के लंबे समय तक हजारों साल तक। हाँ, हम ऐसे ऋषि मुनि नहीं है, लेकिन शरीर तो दोनों के एक ही है, उनके भी हमारे तत्वों से ही बने हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज, हाँ, हम जिम्स में जाते हैं, कोई भी, मैं सब कुछ आ गया ना, कोई भी एक्सरसाइज मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। इससे कम इतने नुकसान है, एक तो हमारा समय बर्बाद होता है, हाँ, व्यायाम करके समय तो देना ही पड़ेगा,
हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, शक्ति बर्बाद होती है और इससे हमारी आयु कम होती है। हाँ, क्योंकि जितना इसमें हम लगा देते हैं तो इतनी हमारी आयु कम होगी, हमें बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। लेकिन हमारे मन में ऐसे गलत ख्याल भर दिए गए हैं, ऐसे भूत भर दिए गए हैं कि हम बस तोड़ते ही रहते हैं, जिम में जाके व्यायाम करते ही रहते हैं। हाँ, मैं भी करता था, मैं भी ऐसा एक पागल था, लेकिन जब से पता चल गया बस बैठ गया। अब ना मॉर्निंग वॉक करता हूँ, ना इवनिंग वॉक करता हूँ, तो जॉगिंग और कोई एक्सरसाइज की बात ही नहीं रही। मैं इतने सारे योगासन करता था और करवाता लोगों, योगा टीचर बन गया, लेकिन हाँ सब कुछ अपने आप छूट चुका है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये नुकसान का धंधा है, यहाँ कोई फायदा नहीं, अपने आप छूट गया। Why they need pain increasing? LPA increasing. देखो, today I am 76. I don't have any knee pain. My elder brother is 84. He also doesn't have any knee pain. My eldest sister is 92. She also doesn't have any knee pain or any other body pain. Means it has no relevance with the age. It has the relevance with the food. गलत आहार खाएंगे तो नाना प्रकार के रोग होंगे। ये सारे रोगों में से एक नी पेन है। अच्छा, हमारा खुद का अनुभव में बताओ, मेरी पत्नी को आज शी 72, 30 साल पहले, 30 ऐसा लगा लो 40 साल पहले, यानी कि 80 age of 32, she was having rheumatoid arthritis, जितने भी जोड़ थे दर्द करते थे और दोनों पैर के जो नी कहते हैं वो सबसे ज्यादा दर्द करते थे। मेरे साड़ू यानी कि शादी का हस्बैंड, वो एमएस ऑर्थोपेडिक है, ख्यातनाम सर्जन है राजकोट, वो उसको ट्रीट कर रहे थे, बहुत सारी दवाइयां लंबे समय तक दी, फायदा तो नहीं हुआ, दर्द बढ़ता गया, रोग बढ़ता गया। अंत में उन्होंने कह दिया कि अब हमारे पास कोई दवाई नहीं है, आप नी जॉइंट रिप्लेस करवा लो। हमने कहा, उस वक्त हम ये नहीं चाहते थे, चलो करवा लेते हैं। एक का करवाया जो ज्यादा दर्द कर रहा है, तो पहले को एक करवा लो, बाकी 4-6 महीने के बाद दूसरे का, अच्छी बात है, ये भी करवा लेंगे बाद में। ये तो जितने जोड़ गए शरीर में, उंगलियां, हाथों की, पैरों की, और कहीं ये एल्बो, ये रिश, जो कहीं ये सारे दर्द कर रहे हैं, तो सभी के हम सर्जरी करवाएंगे, ऑपरेशन करवाएंगे,
ये तो नहीं हो सकेगा, तो फिर हमें क्या बस देखो तो आपको इसे चलाना होगा, नहीं चलता तब तो आपके पास आएगा और आपने तो इसमें बढ़ावा कर दिया, हम तो साधु ही ना बोल सकते हैं। तो ये दोनों का तो ऑपरेशन करवा लिया, मन अटल बिहारी वाजपेयी ने भी करवाया था, क्या रिजल्ट आया? तो भी मान लो इसमें ठीक भी हो गया, हम आपकी बात काटना नहीं चाहते, लेकिन हम समझना चाहते कि ये सारे जोड़ दर्द कर रहे हैं तो इसके लिए क्या, बस दवाइयां लेते रहो। हमने बताया अब तक तो दवाइयां दी, इससे तो इतने रोग बढ़ गए, अब और बढ़ाना है क्या? दवाइयां लेके हमारे पास और कोई इलाज नहीं, और उसी वक्त ईश्वर की कृपा से हमें ये साधना मिल गई और आज वो सारी दुनिया में दौड़ती है। सिंस लास्ट 30 ईयर्स एट द एज ऑफ 72 कहीं भी कोई दर्द नहीं है, कोई जोड़ों में भी नहीं, तो सर दर्द भी बहुत रहता था माइग्रेन, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये सही दिशा हमसे मिल गई, हमारा भोजन बदल गया, तो देखो उसकी आयु बढ़ी 40 साल, लेकिन पेन नहीं बढ़ा। हाँ, आपका ये सवाल है ना कि एज रिलेटेड, जैसे एज बढ़ती है पेन बढ़ता, बिल्कुल गलत बात, ना समझी, अज्ञानता। एज से आयु से रोग को कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल भोजन से ध्यान रहना। आप सही भोजन लेने लगो रिवर्स होने लगेगा। हाँ, वो इतने इंजेक्शन देते हैं